उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा पर कार्रवाई करने को लेकर पंडित सुशील कुमार पाठक का आमरण अनशन शुरू हुआ। 19 जून को इस्लामिया मैदान पर मौलाना तौकीर रजा मोदी पर बोले थे अपशब्द। मोदी जी को कलमा पढ़कर इस्लाम धर्म की कही थी बात। देश के कानून पर मौलाना को नहीं है भरोसा। पंडित सुशील कुमार पाठक बारादरी थाना क्षेत्र के श्यामगंज साईं मंदिर के बाहर बैठे आमरण अनशन पर। कार्रवाई न होने तक जारी रहेगा आमरण अनशन, लेकिन अधिकारियों ने पहुंचकर अनशन को समाप्त कर दिया कार्रवाई करने का आश्वासन। पूरा मामला ये है कि मौलाना तौकीर रजा खां द्वारा दिए गए देश विरोधी संविधान विरोधी भाषण पर अब तक FIR दर्ज न किए जाने के कारण किया जा रहा है। आमरण अनशन सुशील कुमार पाठक सर्वराकार श्री शिरडी साईं सेवा ट्रस्ट शहामतगंज में पंडित सुशील कुमार पाठक ने बताया। 22 जून 2022 को मौलाना तौकीर रजा खां के विरुद्ध थाना में तहरीर दी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंडित सुशील कुमार पाठक अनशन को समाप्त कर धरना खत्म कर दिया है। मैं 9:55 पर मौलाना तौकीर रजा के उस 19 जून वाले बयान पर आज आमरण अनशन पर बैठा जो माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने दिया था, और मैं मुझे बैठे एक घंटा ही हुआ था, तब तक अपर पुलिस अधीक्षक नगर और अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर दोनों आए और दोनों ने लिखित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और हमसे हमारा ज्ञापन लेकर हमसे कहा कि कार्रवाई हम उस पर करेंगे और ऐसा आश्वासन किया है। स्ट्रीट पर मैं उठा हूँ और यदि ये समय रहते उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो एक उग्र आंदोलन आगे तैयारी की जाएगी। अभी इसी वजह से जब उन्होंने आश्वासन दे दिया तो मैंने स्थगित कर दिया है, और अगर बहुत जल्द कार्रवाई मुझे नजर नहीं आई तो एक बड़े आंदोलन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मौलाना तौकीर रजा ने कहा था माननीय प्रधानमंत्री को, आओ नरेंद्र मोदी कलमा पढ़ो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी बात इसलिए नहीं सुनी जाती कि हम लोग ट्रेन नहीं जलाते, यानी मुस्लिम युवकों को ट्रेन जलाने के लिए उकसाया। और तीसरी बात उन्होंने कहा था कि हम अपना ज्ञापन UNA में देंगे, हम यहाँ किस बेईमान सरकार को नहीं देंगे, यानी संविधान और सरकार पर उन्हें विश्वास नहीं है यहाँ की। इसके लिए मैंने देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर करने की मांग की थी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।